वालिद से मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत की इजाजत की मुंतजर हूँ। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, 5 रोज गुजर गए हैं, अपने वालिद से किसी किस्म का कोई राबता नहीं है। मरियम नवाज का ट्वीट। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे सलमान तारिक से। जी सलमान तारिक बताइएगा। जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अपने वालिद से मुलाकात के लिए पंजाब हुकूमत की इजाजत की वो अभी तक मुंतजर है और नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने पैगाम में मजीद कहा कि 5 रोज गुजर गए हैं, अपने वालिद से किसी किस्म का कोई राबता नहीं है। नवाज शरीफ के जाती मालिज को भी 5 रोज से उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि जी कोई तरीका नहीं कि मैं उनकी खैरियत मालूम कर सकूँ या तबीयत का पूछ सकूँ, और इस हवाले से मैं बहुत परेशान भी हूँ, और नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ उनको तो वो किसी से नहीं कहेंगे। तो नवाज शरीफ की कोई खबर नहीं है इस हवाले से और कोई तरीका भी नहीं है कि मैं उनकी खैरियत मालूम कर सकूं। और साथ ही उन्होंने कारकुनों से नवाज शरीफ की के लिए जो दुआओं का है वो उस हवाले से भी दुआओं में याद रखने के भी कहा, और साथ ही उन्होंने सलमान तारिक तफसीलात से आगाह किया।